जिसने देखी है वहां हमारे 21 जवान जो सारा गाना उससे पहले कौन सा उस देश की सरहद को जो पुंछ लिखम भी जो है उसकी मुनासिबत से यहाँ पर जो है सेलिब्रेशंस हो रही हैं। और पिछले कई दिनों से आप अगर देखेंगे तो पुंछ के अलग अलग खित्ते में अलग अलग गांव में पंचायत हट्स के ऊपर जो है डिफरेंट जितनी भी हमारी कमांड्स हैं जो हमारी 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंडर आती हैं, तो इसमें खसूसी तौर पर जो राजेश बिश जी हैं उनके अगुवाई में जो है जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने डिफरेंट गांव में जो है बहुत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन करवाया है, स्पोर्ट्स को लेकर जो है जगह जगह पर उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराए। और आज भी पुंछ स्टेडियम में अगर आप देखें बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाए उन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो है बीएसएफ का जो है ब्रास बैंड है वो आज यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पुंछ के जितने भी जीता लोग हैं सिविल सोसाइटी के और गांव से हमारे जितने भी पंचेज और सरपंचेज हजरात हैं सभी लोग यहां पर पार्टिसिपेट करके उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और मैं सभी लोगों से ये आशा रखता हूं कि जो हमारा पुंछ लिंकअप डे है उसकी सेलिब्रेशन में लोग यहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और 22 को जो फाइनल यहां पर पुंछ लिंकअप डे मनाया जाएगा उससे पहले 20 को काबुल बुखारी जो है यहाँ पर सिंगिंग के लिए एक सबसे बड़े हमारे उभरते सितारा हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ पर आकर परफॉर्म करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ कमांडर साहब की जानिब से कि 20 को जो है यहाँ पर आप आइए और इस पूरे सिंगिंग से जो यहाँ पर आप लुत्फ़अंदोज़ हों।